बॉयज लॉ से आप क्या समझते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होएगा और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नमस्ते, मेरा नाम मंदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? बॉयज लॉ। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट ऑफ बॉयज लॉ। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ। फिर आपने क्या पढ़ना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज लॉ। और आखिर में पढ़ेंगे बॉयज लॉ की सिग्निफिकेंस। तो क्या होता है बॉयज लॉ? तो देखो मैं आपको बताऊँ, जो क्योंकि हम इस चैप्टर का नाम हमारा क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, और यहाँ पर हम लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैसेस स्टेट के बारे में, इजंट इट? तो जो गैसेस होती है ना, वो कुछ लॉज को फॉलो करती हैं, कुछ नियमों को फॉलो करती हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि कुछ कायदे कानून हैं जिनको गैसेस फॉलो करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? गैस लॉज। और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं? एक आपका बॉयज लॉ होता है, एक आपका चार्ल्स लॉ होता है, एक आपका गे लुसक्स लॉ होता है, एक आपका कंबाइंड गैस लॉ होता है, एक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, एवोगैड्रो लॉ होता है, ठीक है बात, और क्या बोलते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो ये कुछ नियम हैं जिनको गैसेस फॉलो करती हैं। तो उनमें सबसे पहला नियम कौन सा हमारा? बॉयज लॉ, ठीक है। ये भाई एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने एक बात देखी थी, उन्होंने एक बात बोली कि जो प्रेशर होता है ना, क्या प्रेशर ऑफ ए, सॉरी उन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उन्होंने बोला अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, क्या अगर आपने टेम्परेचर क्या रखा है? कॉन्स्टेंट, लेकिन किस पे कॉन्स्टेंट? टेम्परेचर। देखो पहले आपको पता है किसी गैस का टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास मैंने आपको मेजर करना सिखाया था ना पहले चैप्टर में, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें कोई गैस भरी है, तो जो इस चैम्बर की वॉल्यूम है वही क्या हमारी इस गैस की वॉल्यूम है, और जो गैस इसके अंदर भर रखी है वो इसकी दीवारों पे लगातार टक्कर नहीं मार रही क्या? तो दीवारों पे एक प्रेशर एग्जर्ट करने लग रही, इसका प्रेशर भी, इसकी एक वॉल्यूम भी है, और इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, टेम्परेचर भी, वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? इसके अंदर थर्मामीटर लगा के, ओके। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर क्या रखूं? कॉन्स्टेंट, ठीक है, लेकिन प्रेशर मैं बढ़ाता जाऊं तो वॉल्यूम क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इट मींस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और मैं इसको हटाऊंगा, इसको भाई इक्वल्स टू के साइन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई P, ओके। ये होता है। अब इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताता हूँ। क्या भाई इसका हम क्या बताएंगे आपको? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आप एक चैम्बर है, मान ली यहां पर आपने गैस भर रखी है और यहां पर एक पिस्टन है, जैसे नहीं पिचकारी होती है, उसको आप आगे से रोक लो, रोक लिया उसने अपने भाई, तो ये पिस्टन है, तो इस गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर होएगा ना। अब अगर आप उस ऊपर से प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? घट जाएगी, इजंट इट? लेकिन कितनी घट जाएगी ये तो हमको मालूम नहीं है। तो अब एक काम करो, आप इस चैम्बर में गैस भर दो और यहां पर आप क्या लगा दो बताओ? एक मैनोमीटर लगा दो, लगा दो मैनोमीटर। इसके अंदर तो क्या भर रखा आपने बताओ? मरकरी भर रखा है। अब मान लिया भाई इसके अंदर आप मरकरी भर रखा है, फिलहाल यहाँ पर गैस नहीं आ रही, वैक्यूम, और यहाँ भी क्या है? वैक्यूम है। अब अगर आपने यहाँ पर गैस भर दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर आपने एक गैस आपने यहाँ पर भर दी तो प्रेशर क्या होगा इसका? इसका भाई कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा ना कि नहीं आएगा? वो कैसे पता लग जाएगा हमको? मरकरी का ये लेवल तो नीचे पहुंच जाएगा और ये लेवल ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, चाहे आप ओपन लिंब मैनोमीटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका तरीका आपको पता, मैंने आपको पढ़ाया था वही कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आप एक काम करो, आप यहां पर नहीं, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो डबल कर दो, क्या आप वॉल्यूम ऑफ द गैस को, या फिर आप यहां से इसको हटा के आप यहां से आप इस गैस का नहीं जो प्रेशर है इसको बढ़ा दो, तो बताओ बताओ क्या हो जाएगा। अरे बोलो भाई, अगर आप इस गैस का बताओ क्या करोगे, मतलब क्या, आप इसको ऐसे देखो, इसको आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, मान लिया हमारे पास एक चैम्बर है, क्योंकि मैंने बोला ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम इनवर्सली तो भाई प्रेशर की एक पावर की भी हो सकती है और प्रेशर की दो पावर की, हमें क्या पता भाई कि एग्जैक्टली इनवर्सली कैसे है। तो ये पाया गया, अगर मैं प्रेशर क्या कर देता हूं ऊपर से डबल कर देता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस पता क्या हो जाएगी, हाफ, एग्जैक्टली हाफ। अगर मान लिया प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम क्या होती होती, 1/4, तो आप यहां पर क्या लगाते प्रेशर का, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, अगर आप प्रेशर बढ़ाने पर अगर क्या होता बताओ, हम 1/4 वॉल्यूम होती, तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ता, पी स्क्वेयर, ताकि जब मैं पी को डबल करूं तो नया फैक्टर क्या आ जाए, 2p की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, 1/4 नया फैक्टर नहीं आ गया, तो वॉल्यूम क्या होगी, हाफ, सॉरी 1/4 होगी। तो ये तो देखो ध्यान रखना है आपने कि क्या है, ये इनवर्सली है, लेकिन इनवर्सली भी किस पावर के कॉरस्पॉन्डिंग है आपने इसके ऊपर भी गौर करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मान लिया प्रेशर ट्रिपल डबल करने पर वॉल्यूम 1/8 होती, क्या होती, प्रेशर डबल कर दी तो वॉल्यूम क्या होती मेरे पास, 1/8, तब बताओ क्या बोलते हैं इसको। अरे बोलो भाई, अगर मान लिया हमारे पास बताओ क्या होता, अगर वॉल्यूम सॉरी प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम 1/8 होती, तो यहां प्रेशर की पावर क्या आती, 3 आती, 3 नहीं बता पड़ता, 3 क्यों आती, फर्ज करो मैं कहता हूं मेरे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के डिवाइडेड बाई पी क्यूब, ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होता, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से आया है हमारे पास, वैसे नहीं आया है। तो अगर मान लिया प्रेशर में डबल कर देता हूं, मान लिया एक्सपेरिमेंटली क्या आया है, प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम क्या होगी, 1/8 हिस्सा रहेगी, तो इसको ये फॉर्मूला फिट करता, क्यों आप यहां पर इनिशियल वॉल्यूम क्या मान लो, पी प्रेशर पे क्या मान लो, इनिशियल वॉल्यूम, और 2p प्रेशर पे क्या मान लो, फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, तो के बटे प्रेशर डबल करियो क्या हो जाए, 2p, 2p की पावर क्या करो, 3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8p क्यूब नहीं आ जाएगा। अब आप इसको इससे भाग करियो, डिवाइड दिस बाय दिस, बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास, बोलो भाई ये फ्लिप हो जाएगा ना हमारे पास, तो ये इसके मुकाबले कितना है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बताओ बताओ बेटा, ये बड़ा है कि ये बड़ा बड़ा है। अब अगर मैं, अब एक काम करो, V2 को भाग करो, किसको भाग करो, V2 को भाग करो किससे, V1 से, तो क्या आ गया मेरे पास, ये K/8p³ × p³/k से के कैंसिल, p³ कैंसिल, क्या है 1/8 नहीं आ गया, इसका मतलब V2 क्या है, V1 का 8वां हिस्सा रहेगी, क्या रहेगी, 8वां हिस्सा। तो देखो अब समझे बात, कि ऐसे जब कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो ऐसे ही नहीं बनाते होते, ये तो देख लिया हमने कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होती है, घटती है ना, लेकिन घटने का रेट क्या है, घटने की दर क्या है, घटने मतलब दर का मतलब क्या है, घटने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा बनता है। अगर पी क्यू अगर डबल करने पर 1/8 होती, तो यहां पर क्या लिखना पड़ता मुझे, पी क्यूब, और डबल करने पर आधी 4 गुना घटती तो चौथाई रह जाती, तो पी स्क्वेयर, ताकि जब मैं 2p लिखूं तो 2 दूनी 4 नया फैक्टर आ जाए, लेकिन यहां पर तो क्या हुआ है, डबल करने पर सिर्फ आधा हुआ है, तो पी आपने क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ पी क्यूब नहीं, सिर्फ पी, तो ये आपका बताओ क्या है भाई, बॉयल्स लॉ। आसान है कि मुश्किल है, एक्सपेरिमेंटल इसको प्रूव किया गया है, आप जब भी क्या करोगे, मान लिया आपने यहां पर आपने मैनोमीटर लगा रखा है, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई,
तो आप यहां पर एक इसका पर्टिकुलर क्या हो, प्रेशर होएगा ना, यहां से मैनोमीटर से आप इसका प्रेशर नोट कर सकते हो, सॉरी इसका प्रेशर नोट कर लोगे। अरे बोलो भाई, अब यहां क्या करके इस पिस्टन को दबा के और वॉल्यूम क्या कर दो उसकी आधी कर दो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल। पिस्टन को ऊपर ले जाओगे और वॉल्यूम डबल कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सिंपल बात है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या आपने भाई पिचकारी आपने देखा होगा, आप पिचकारी को आगे से रोक के पुश करोगे तो वॉल्यूम आप घटा रहे हो, लेकिन लेकिन जितना आप उसको घटाओगे ना, उतना आपके हाथ के ऊपर फिंगर के ऊपर जो भाई जो एयर प्रेशर होगा क्या होगा लगातार। आप पिचकारी का पिस्टन आगे रोक के नोजल को रोक लो फिंगर से और फिर प्रेशराइज करो किसको, पिस्टन को, तो आपके हाथ के ऊपर लगातार क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ता नहीं क्या, तो वॉल्यूम तो घट रही है उस चैम्बर में लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सकता है। ओके, अब तीसरा बताओ हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है बताओ हमारे पास वॉल्यूम क्या है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई पी है ना, ठीक है ये कांस्टेंट है। ओके, अब आप मुझे बताओ अगर मैं ये कहूं कि वाई इज इक्वल टू 2x+3, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, पता होगा ना आपको इस चीज का, अगर आप आपको बेटे से ग्राफ प्लॉट करना आता है, आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है इसका, यही तो दिक्कत है, हमने सारा पढ़ा रखा ऑलरेडी, 10वीं क्लास आपने पास की ना, 10वीं क्लास में ऐसे टेबल नहीं बनाया करते, यहां पर x की वैल्यू और यहां पर y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करते हुए y की वैल्यू आती चली जाएंगी जाएंगी ना, फिर आप इस पे क्या ले लोगे, x एक्सिस पे क्या y एक्सिस, तो x की वैल्यू इतनी, तो आपके पास एक टेबल नहीं बनेगी x y की, x की वैल्यू इतनी y की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू इतनी y की वैल्यू इतनी, x नहीं आपको, इनको मिलाओगे तो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। और इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, इसको ऐसे खींचने पर y पे जा काटे क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्ट। और इस पॉइंट की हाइट में से इस पॉइंट की हाइट घटा दो और इस पॉइंट की विड्थ में से इस पॉइंट की इस हाइट में से ये हाइट घटा दो, इस विड्थ में से ये विड्थ घटा दे और भाग कर दो, मतलब दिस माइनस दिस भाग में दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, उसे क्या बोलते हैं, स्लोप, क्या बोलते हैं उसको। तो अगर आप y इज इक्वल टू 2x+3 इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, कैसा आता है ये, और स्लोप कितना आएगा, दो, स्लोप कितना आएगा, यहां स्लोप होता है, और इंटरसेप्ट यहां कितना कटेगा, तीन पे कटेगा, एक्स बराबर 0 पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3, नहीं है आपको, तो आपको साफ साफ दिख रहा है अगर मैं वाई पे क्या लेना चाहूं, प्रेशर, और एक्स पे क्या लेना चाहूं, वॉल्यूम, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट बाई वॉल्यूम, ठीक है, तो +0, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह आपको नजर आता है, बिल्कुल, कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पर चलो कॉन्स्टेंट को यहां पर मैं k बोल लेता हूं, क्या बोल लेता हूं, k, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, ये m और c तो कॉन्स्टेंट है, तो यहां भी तो क्या है, को k कॉन्स्टेंट है, देखो यहां पर दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, जैसे यहां पर x की वैल्यू हम पुट करते हैं, y की वैल्यू हमारे पास अपने आप आएंगी ना, एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप कुछ पुट करो, लेकिन वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू अपने आप आएगी, तो सिमिलरली यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू अपने पुट नहीं करना है, तो अगर मैं 1/v लो इसको, क्या लो इसको, तो के इंटू 1/v, तो वाई पे मैं क्या ले लूं, प्रेशर, तो अगर वाई पे मैं क्या ले लेता हूं, प्रेशर, और एक्स पे मैं क्या ले लेता हूं, 1/v, 1/v ले लेते हैं, ठीक है, तो बताओ मेरे पास स्लोप क्या आएगा, अब हो गया ना कॉन्स्टेंट, के क्या यहां पर स्लोप है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जैसे y इज इक्वल टू 2x+3 नहीं होता क्या, तो यहां पर 3 की बजाय यहां पर क्या है, 0, x की बजाय यहां पर क्या है, 1/v, और k की जगह यहां पर क्या है, 2, और 2 की जगह क्या यहां पर क्या है, p, तो मेरे पास क्या आएगा, स्लोप आएगा 0 इंटरसेप्ट के साथ, मेरे पास स्लोप क्या आएगा, 0 इंटरसेप्ट के साथ, और अगर मैं इस पॉइंट के हाइट में से इसकी हाइट घटाऊंगा और उसको भाग कर दूंगा
इसकी हाइट माइनस इसकी हाइट, ये हाइट माइनस ये हाइट डिवाइडेड बाई ये लंबाई माइनस ये लंबाई, वो नंबर क्या आएगा बताओ मेरे पास? के आ जाएगा। आसान है मुश्किल भाई? और ये पाया गया है कि ये बताओ आपको कुछ पल्ले पड़ा कितनी पल्ले पड़ा भाई? ठीक है मिटा दी इसको। तो आपको प्रेशर वर्सेस वन बाई वी का आपको करो पता लग गया क्या? आपको प्रेशर वर्सेस वन बाई वी का आपको करो पता लग गया? अगर मैं एक्स पे वी ना लूं, क्या ना लूं मैं, सॉरी वन बाई वी ना लूं, वी ले लूं, और वाई पे क्या ले लूं बताओ? नहीं पी ही ले ले, यहां पर तो वन बाई वी था आपकी बार, तो अब मैंने क्या ले लिया? वी ले लिया सीधे। तो अब पता ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, ये इनवर्सली नहीं है क्या? वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा ना, लेकिन वो ऐसे वो लाइन में नहीं घटेगा, वो ऐसे घटेगा। चाहे आप ड्रॉ कर लियो भाई, आप चाहे बाकायदा इसको चेक कर सकते हो। काम करो वाई इज इक्वल टू एक बटा एक्स लिख लो, वाई इज इक्वल टू एक बटा एक्स, और उसके बाद यहां पर एक टेबल बना लो, बना लोगे एक्स और वाई। अब एक्स की वैल्यू क्या रखो यहां पर, पहले एक्स की वैल्यू अपनी क्या करनी है, बढ़ानी है, तो y की वैल्यू क्या घटेगी ना? x की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रख दो बताओ, पहले एक रख दो तो y की वैल्यू क्या आएगी? एक आएगी। फिर x की वैल्यू दो रख दो तो y की वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट पाँच आएगी। फिर x की वैल्यू तीन रख दो क्या जाएगी? पॉइंट तीन तीन आ जाएगी। तो कैसा ग्राफ आएगा बताओ? बताओ तो मैं कहूँ यहाँ पर मान लिया x हो मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास क्या हो y, तो x की वैल्यू क्या है बताओ? यहाँ से एक से मान लो, किस मान लिया x वैल्यू? एक से शुरू कर लो, चलो जीरो माने तो आप यहाँ से शुरू कर लो, आप यहाँ से शुरू कर लो, ठीक है ना? एक है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? इसको एक मान लो, एक्स की वैल्यू एक, वाई की वैल्यू एक, एक्स की वैल्यू दो कर दो, तो दो करने पर क्या हो जाएगा? पाँच हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ये नहीं आ जाएगा। फिर तीन करने पर क्या आ जाएगा? नहीं बता आपको पहले पड़ रहा, 0.33 इन साइड का तकरीबन वन थर्ड सा, नहीं बता आपको पहले पड़ रही, ये ऐसे पॉइंट आएंगे, ऐसे मिलेंगे, इनको मिलाओगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो जो करो वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स का आएगा, वैसे करो किसका आएगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। भाई ऐसे पेपर में क्वेश्चन खूब पूछते हैं आपसे, पूछ रहे तो ये करो कैसा आएगा, इजंट इट? बताओ। हाँ बेटा अब कुछ पहले पढ़ रहे, तो पी वर्सेज वन बाई वी तो करो कैसा आएगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन। पी वर्सेज वी करो कैसा आएगा? ऐसा करवाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं वाई पे बताओ क्या ले लेता हूं, और कौन सा कर्व रह गया बताना आपको? हाँ अच्छा वन बाई वी आपको बता दिया। अगर मैं पी वी वर्सेज पी लू तो क्या? पी वी वर्सेज पी कर्व बताओ कैसा आएगा बताओ? आपको ग्राफ प्लॉट करने जाने चाहिए प्रत्यक्ष। पीवी वर्सेस पी करो कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बॉयल्स लॉ बताओ, बॉयल्स लॉ क्या था? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, के मान लो कांस्टेंट को, कांस्टेंट आपको एक भाई एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू बदलती नहीं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी की रख सकते हैं। और डिपेंडेंट कौन सा होता है? जो वैल्यू फिर अपने आप आएगी। y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री में x के ऊपर आपका जोर चलता है, x चाहे वो रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y फिर आपका जोर नहीं चलेगा। इनका आपको x में तीन पुट करूँगा, वाई 25 लेके आऊँगा ना, एक्स तीन पुट के रख कर दिया ना, तो तीन दूनी छः और तीन नौ, वाई नौ आना ही आना है। आगे आपको उपकार। तो सिमिलरली तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो आपको गे फंक्शन तो तब प्लॉट होता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है पी वी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हो प्रेशर होना तो चाहिए कम से कम प्लॉट करने के लिए। तो अगर मैं प्रेशर की पावर जीरो लिख दूं यहां पर भाई, के को मैं एक से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक तो यहां पर वैसे भी लिखा होता है, एक तो वैसे भी यहां पर लिखा नहीं होता क्या? मैं k को लिख दूं कि एक यहां पर है, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं इसको क्या बोल दूं p की पावर जीरो, कि p की पावर जीरो क्या होता है? वन। तो आ गया ना वहां पर प्रेशर भी आ गया, नहीं है आपको? तो आप प्रेशर, तो आप y पे क्या लोगे, x पे क्या लोगे? प्रेशर। और y पे क्या लोगे? प्रेशर वॉल्यूम की
मल्टीप्लाई, तो प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई क्या होती है? कॉन्स्टेंट। यानी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। देखो प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ रहा, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम क्या हो रहा है? सेम। उसकी वजह क्या है? आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगी? घट गई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रेशर शुरू में क्या था? 10, और वॉल्यूम मान ले क्या है? 50, तो कितना मेरे पास बताओ? 500 हो गया ना। अब प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, क्या प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो जितना प्रेशर बढ़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने बढ़ा बढ़ा के आपने क्या कर दिया? 50 कर दिया। उस टाइम वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 10। ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या रहेगी? 500। तो प्रेशर वॉल्यूम क्या रहेगा? तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व कैसा आएगा बताओ? कॉन्स्टेंट आएगा। नहीं आपको समझ? हाँ बेटा, कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? आपको डिफरेंट ग्राफ्स का पता होना चाहिए कि कौन से ग्राफ कैसे नजर आते हैं। अब जो भाई शुरू से पढ़ते हैं उनको पता है कि हम ग्राफ्स कैसे टैकल करते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा अच्छा बताओ, पी वर्सेस वी का कर्व तो कैसा आया था? ऐसा आया था ना। और वी वर्सेस पी कर्व कैसा आएगा? अगर मैं यहां पर क्या ले लेता हूँ वी, और यहां पर क्या ले लेता हूँ पी, तब भी कर्व कैसा कैसा आएगा भाई? प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी? घटेगी। अच्छा स्ट्रेट लाइन लेना हो तो बताओ, देखो पी वर्सेस वी तो ऐसा करवाएगा ना, और वी वर्सेस पी भी ऐसा ही करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा पी वर्सेस वन बाई वी करो कैसा आएगा? ऐसा आएगा ना, स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल सी बात है, पी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट बाई वी होता है। तो अगर मैं y पे क्या लेता हूं p, x पे क्या लेता हूं 1 बाई वी, या फिर मैं काम करूंगा v को यहां ले आऊं और p को यहां ले आऊं, तो y पे हमने क्या ले लिया v, x पे क्या ले लिया 1 बाई पी, वो भी क्या आएगा मेरे पास? स्ट्रेट लाइन। यानी अगर आपने आपने प्रेशर वर्सेस v या वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, तो वो तो ऐसे आएंगे इस टाइप से उतरते हुए करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने वॉल्यूम वर्सेस 1 बाई प्रेशर या प्रेशर वर्सेस 1 बाई वॉल्यूम ले लिया, वो ऐसे आएंगे स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? कुछ बात आपको पहले पड़ी? अच्छा अब मैं आपको बताता हूं भाई, ध्यान रखियो, इनको बोलते हैं आइसोथर्म। बोलते हैं क्या? बोलते हैं इनको आइसोथर्म। आइसो का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट। और थर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। यानी जिन ग्राफ के दौरान टेम्परेचर क्या रहे? कॉन्स्टेंट। यानी आप जो वॉल्यूम घटा रहे हो और प्रेशर बढ़ा रहे हो, या वॉल्यूम बढ़ा रहे हो प्रेशर घटा रहे हो, इस पूरे कोर्स के दौरान आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना है, ठीक है बात? तो इसी बात पे चलो आप मुझे ये बताओगे, प्रेशर वर्सेज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो P वर्सेस V का क्या आएगा? होगा ना इनवर्सली, Y इज इक्वल टू समथिंग बाई X की तरह नहीं हो गया, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोथर्म। तो यहां पर क्या ले लो वॉल्यूम, यहां पर क्या ले लो प्रेशर, ऐसा आ गया ना एक गैस का, ऐसा आ गया। अब आप मुझे बताओ, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं क्या करूं मैं? ये मान लिया एक पर्टिकुलर, ये मान लिया क्या आपका 200 केल्विन पे क्या है? प्रेशर वॉल्यूम करो, 200 वॉल्यूम पे, 200 केल्विन पे क्या है? 200 केल्विन टेम्परेचर रखते हुए वॉल्यूम प्रेशर को घटाओ से, या फिर क्या करो वॉल्यूम को बढ़ाओ, तो प्रेशर क्या होगा? इस तरीके से घटेगा। यानी पहले घटेगा रैपिडली, फिर घटेगा आराम आराम से, इजंट इट? ठीक है। अब मैं ये कह दूं, देखो पहले तो क्या था, अगर y इज इक्वल टू 1/x भी है तो पहले तो एक सीधे क्या हो जाएगा 0.5, एक से क्या सीधे, फिर 0.5 अगले स्टेप में क्या होगा 0.33, हाँ अगले में क्या आएगा 0.33 से 0.25। यानी एक प्रेशर, अगर मैं y इज इक्वल टू 1/x लेता हूँ तो एक पुट करने पर तो एक आएगा, फिर एक बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, एक से 0.5 रह जाएगा, अगला एक बढ़ाने पर 3, अगला एक बढ़ाने पर 0.25, तो घटने की रफ्तार क्या हो रही लगातार?
समझे, पहले स्टेप में पहला एक बढ़ाने पर सीधा 0.5 घट गया, अगले में थोड़ा कम घटा, अगले में थोड़ा और कम घटा, अगले थोड़ा और कम घटा, ऐसा कर्व है हमारे पास, इजंट इट। लेकिन अगर यही कर्व में 200 केल्विन पे ले तो ऐसा आया, कर्व की शेप ऐसी रहेगी, लेकिन टेम्परेचर बदलने पर उनकी कर्व की पोजिशन क्या होगी, बदल जाएगी। 200 पे ये है, ये 300 पे है, और ये बताओ कौन सा मान लिया, 500 पे है, क्या भाई? तो आपने बात देखी कि हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो कोई भी टेम्परेचर हो, 200 हो, 300 हो, 500, प्रेशर क्या हो सबका, घटता हो ना, isn't it? लेकिन कम किस केस में घटता है बताओ, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, क्या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, आप एक देखोगे भाई, नहीं आपको समझाया, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब ये प्रेशर वॉल्यूम का रो है 200 केल्विन का, ये प्रेशर वॉल्यूम का रो है 300 केल्विन का, यानी 200 केल्विन पे भी वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर घटता है, 300 पे भी वॉल्यूम बढ़ाने प्रेशर घटता है, 500 पे भी वॉल्यूम बढ़ाने प्रेशर घटता है, लेकिन कर ऊपर किसका पड़ेगा, 500 का, और नीचे बताओ किसका पड़ेगा, 200 का। तो अपने बात देखी, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर मैं एक पर्टिकुलर क्या करूं, अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर ले लेता हूं, मान लिया मैंने ये प्रेशर ले लिया, कौन सा प्रेशर, ये प्रेशर, तो टेम्परेचर अगर थोड़ा है तो वॉल्यूम क्या है, थोड़ी। तो देखो, अरे भाई ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट और ये पॉइंट है, एक से प्रेशर रेशो कर रहे क्या भाई, कर्व में कोई भी पॉइंट होता उस पॉइंट की हाइट क्या शो करती है, प्रेशर, उस पॉइंट की दूरी क्या शो करती है, ओरिजिनल दूरी, वॉल्यूम, है ना। तो मैं तीनों गैस के लिए सेम क्या लेता हूं, प्रेशर, अगर तीनों गैसेस के लिए मैं सेम क्या लेता हूं, प्रेशर लेता हूं, तो उनकी वॉल्यूम सेम नहीं है, उसी प्रेशर के लिए कम वॉल्यूम किसकी है, उसी प्रेशर पे 200 केल्विन वाले की वॉल्यूम क्या है, कम है, उसी प्रेशर पे 300 केल्विन वाले की वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, नहीं आपको, और उसी प्रेशर पे 500 वाले की वॉल्यूम के सबसे, तुमने एक बात देखी, अगर प्रेशर क्या हो सेम, अगर इसका पता, इसका हमको फायदा होएगा, अगर प्रेशर क्या हो सेम हो, तो टी बढ़ाने पर क्या हो रही है, सेम प्रेशर हो तो टी बढ़ाने पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही, कुछ बेटा पपले पड़ रहे थोड़ा बहुत, फिर समझ मेरा, यही दिक्कत होती है भाई, अगर आप चीजों को ऑर्डर में नहीं पढ़ते ना, क्या, क्योंकि हमने ये जो दुनिया भर के फंक्शन वगैरह नहीं है, हम इनको बहुत सारे पढ़ के आए हैं, ये तो इनके से इनको इसलिए दिक्कत नहीं आ रही, आप एक दूसरे, मैंने आपको इसलिए बोला कि आपको सारा लेक्चर पढ़ो पहले, इनको फिर भी कुछ तो पहले पढ़ रहा हो आपको, ठीक है, आप और कुछ ना फिलहाल याद कर लो कि प्रेशर वॉल्यूम में करो ऐसे आएंगे, ओके। अच्छा बताओ, अब अगर मैं ये कह दूँ कि ना प्रेशर वर्सेज 1/V के कर्व कौन से आएंगे, क्या प्रेशर वर्सेज, यहां पर तो पी वर्सेज वी तो हमको पता ऐसा आना है, अरे भाई पी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट बाई वी नहीं होता क्या, तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह नहीं ट्रीट कर सकता क्या, वाई इज इक्वल टू एम तो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट के मान लो इसको, और एक्स क्या हो गया 1/V, तो अगर मैं प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम लेता हूं तो ऐसा करवाएगा, अगर मैं एक्स पे वॉल्यूम लेता हूं क्या, और वाई पे क्या लेता हूं प्रेशर, ऐसा करवाएगा, क्योंकि आप नोट तो क्या करते हो, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम नोट करते हो ना, देखो आपके पास दो डेटा होते हैं, यहां पर क्या होता है प्रेशर, यहां पर क्या होता है सॉरी, यहां पर क्या है वॉल्यूम, और यहां बताओ क्या है प्रेशर, तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ाओ और यहां प्रेशर घटता जाएगा, तो अगर आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे ग्राफ के ऊपर तो ऐसा ग्राफ आएगा, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी प्रेशर घटता जाएगा, लेकिन आप एक कॉलम और बना लो, बना लो एक कॉलम और इस कॉलम में क्या करो, इस कॉलम में जो नंबर है ना उनके उल्टे कर दो, पहले क्या कर दो उनके, मान लो यहां पर जो वॉल्यूम है उसको कैलकुलेटर में भाग कर लो, एक उससे एक को भाग कर दो, इसमें वॉल्यूम है 3 लीटर तो 1/3, नहीं आपको
तो यहां पर क्या भर दो, वन बटा वी। तो यहां पर तो क्या भरी है वॉल्यूम, यहां क्या भरी है प्रेशर। तो इस कॉलम में जो नंबर है उनके कैलकुलेटर में आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते क्या? क्या होता है बेटा रेसिप्रोकल? उल्टा करना। तीन का उल्टा क्या होता है? एक बटा तीन। पांच का, दो का उल्टा क्या होता है? पॉइंट पांच। दो का उल्टा एक बटा दो होता होगा, पॉइंट पांच। तो इन वॉल्यूम्स के क्या कर दो रेसिप्रोकल। अब अगर आपने एक्स एक्सिस पे ये लिया और ये लिया तो कर्व ऐसे आते हैं। कैसे आते हैं कर्व? ऐसे आते हैं। और आपने ये लिया और ये लिया, वाई पे ये, एक्स पे ये, तो कर्व ऐसे आएंगे स्ट्रेट। और आपने ये वर्सेस ये लिया तो कर्व ऐसे आएंगे। ये आपको बताओ भाई। अच्छा आप मुझे बताओ, तो ये क्या टी वन के लिए, क्या टी टू, क्या टी थ्री के लिए। तो यहां भी आपने एक बात देखी, इन सब का इंटरसेप्ट क्या है? जीरो। जीरो क्यों भाई? आपको साफ दिख रहा है जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। ओके अच्छा ये बताओ, यहां पर तो आपको पता था कि 200 केल्विन वाला कर्व नीचे होगा, 300 वाला ऊपर, 500 वाला सबसे ऊपर। आप मुझे यहां बताओ, यहां पर हाई टेम्परेचर वाला कर्व ऊपर है, वाइट मैंने क्या ले रखा है? वन बटा वी ले रखा है, एक बटा वी ले रखा है मैंने। ओके तो बताओ सबसे ऊपर टी थ्री वाला कर्व क्यों है सबसे ऊपर? तो अगर मैं सबकी एक सी वॉल्यूम लूं, अगर मैं क्या करूं सबकी, देखो ये तो आपको पल्ले पड़ गया, क्या करूं नहीं आपको कर सुन है आपको ये। आप मुझे ये बताओगे कि T1 वाला कर्व नीचे क्यों है? पहले बताओ ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ गया? ये मान लिया भाई 200 वाला है, 300 वाला है, कौन सा है? जैसे ये 200 300 500 कौन सा है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये 200 300 500 कौन सा है? प्रेशर वर्सेस 1 बटे वॉल्यूम। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसके अंदर ये वाला कर्व ऊपर क्यों आया है? हाउ 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 बताओ। तो अगर मैं सबकी एक सी वॉल्यूम लूं क्या, तो मेरे पास तीन चैम्बर हैं, चैम्बर वन, चैम्बर टू, चैम्बर थ्री। पहले में टेम्परेचर कितना है? 200। दूसरे में 300। तीसरे में कितना है? 500 है। उन सब की एक सी वॉल्यूम है क्या? उन सब की एक सी वॉल्यूम है। ओके तो उन सब के वन बटा वी भी क्या होंगे? एक सी वॉल्यूम वन बटा वी एक से होंगे सबके भाई। तो यहां पर ले लेते हैं वन बटा वी सबके क्या होंगे? एक से। अरे इस पॉइंट की विड्थ सेम रखो, सेम रखो, सेम रखो, समझो। तो हमने एक बात देखी, इसका मतलब क्या है कि अगर उनकी एक सी वॉल्यूम है तो जिसमें टेम्परेचर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। एक सी वॉल्यूम हुई तो टेम्परेचर जहां पर क्या सबसे ज्यादा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर बनेगा। और उसकी वजह क्या होती है? अगर एक सी वॉल्यूम है और आपने क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर। तो एक तरह से आप पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे हो। सबसे ऊपर है भाई हाई टेम्परेचर पे क्या है? हाई प्रेशर। लो पे क्या है? लो प्रेशर। और टी वन पे क्या सबसे? कम प्रेशर। इस एक बटा नहीं रखो ये, अगर मैंने 1/V स्केल के ऊपर ऐसे एक वर्टिकल कट मार दिया, इसका मतलब क्या है? तीन चैम्बर है, तीनों में मैं एक सी वॉल्यूम लेता हूं लेकिन उनका टेम्परेचर क्या रखता हूं भाई? तीन प्रेशर कुकर हैं, वन टू थ्री, तीनों सेम साइज के हैं, तीनों में गैस भरी हुई है, लेकिन एक क्या है? कम गर्म है, दूसरा ज्यादा गर्म। तीसरा क्या है? सबसे ज्यादा गर्म है। तो आप मुझे बताओ किसका ढक्कन फटने को रखा होगा? वहां पर प्रेशराइज्ड नहीं होगा। तो क्या दिख रहा है आपको? सबसे गर्म कुकर में क्या हो? सबसे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सबसे लो प्रेशर। नहीं आपको? तो मेरे ख्याल से आपको बॉयल्स लॉ पल्ले पड़ गया अच्छे से। कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लो। ठीक है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो भाई ये तो खास बात है साइंस के अंदर, किया पर सब कुछ क्या आपस में इंटर कनेक्टेड। ठीक है, एक चीज आपको नहीं आती दूसरी आपको पल्ले नहीं, तो था आपको दो दो गुना एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, आपने ऑर्डर में पढ़ना क्या होता बहुत।
जरूरी होता है। ओके, खैर अच्छे बताओ, अब इसका भाई सिग्निफिकेंस क्या है? क्या बॉयल्स लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, तो आप मुझे बताओ बॉयल्स लॉ क्या, आपका प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई क्या होगी? कांस्टेंट होगी ना, यानी प्रेशर बढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगी। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई क्या रहनी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक चैम्बर है, इसमें गैस भरी हुई है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका प्रेशर मान लिया, इसकी वॉल्यूम कितनी मान लिया 100, और प्रेशर कितना मान लिया, नहीं प्रेशर कितना है 100, वॉल्यूम कितनी है 10, ठीक है, तो 100 तो क्या है प्रेशर, वॉल्यूम कितनी है 10, तो पीवी की वैल्यू क्या है 1000 नहीं है क्या? अब आप प्रेशर को घटा दो और वॉल्यूम को बढ़ा दो, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी बताओ? तो वॉल्यूम मैंने कितनी कितनी कर दी बताओ? मैंने 500 कर दी, सॉरी वॉल्यूम मैंने क्या कर दी, 50 कर दी, तो बता प्रेशर क्या रह जाएगा हमारे पास, कितना घट जाएगा भाई? क्या लेके आना आपने, 1000 लेके आना है ना? हाँ, क्या? अरे 20 आ गया, कमाल कर रहे हैं, 200 कैसे आएगा? प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी? प्रेशर बढ़ा दिया मैंने, वॉल्यूम क्या होगी? घटगी ना, लेकिन मल्टीप्लाई क्या रहेगी अभी भी 1000, ताकि प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लाई क्या रह जाए, कॉन्स्टेंट। प्रेशर आप और बढ़ा दो, सॉरी प्रेशर आप और घटा दो, प्रेशर आपने क्या कर दिया मान लिया 10 कर दिया, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी 100, प्रेशर आपने तो कितना कर दिया 2 कर दिया, घटा घटा के 100 20 10 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 500। तो आपको साफ दिख रहा है प्रेशर घटता रहा है, वॉल्यूम बढ़ती आ रही है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। ये तो आपका बॉयल्स लॉ है, इजंट इट? तो अगर मैं यहां कहूं, इसको बोल दूं P1, इसको मैं क्या बोल दूं, V1, तो P1 V1 की मल्टीप्लाई यहां पर क्या है 1000, फिर प्रेशर बदला तो वॉल्यूम भी क्या होगी, P1 और V1 1000 है ना, और प्रेशर बढ़ा दो P2, वॉल्यूम बढ़ा दो घटा दो, प्रेशर घटा दो वॉल्यूम बढ़ा दो, क्या हो जाएगी V2 हो गया ना, तो P1 V1 कितना 1000, और P2 V2 भी क्या होता है 1000 होता है, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे PV इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये, अगर आपको पता हो ना कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इतना है, इनिशियल प्रेशर इतना है, इनिशियल वॉल्यूम इतनी है, फाइनल प्रेशर इतना है, बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, आप मालूम कर सकते हो? नहीं आपको, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ, आपने बताना ये कि कैसे सॉल्व होएगा। ओके, वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, क्या 120 ml कैपेसिटी का वेसल है भाई, ठीक है, और गैस ट्रांसफर कर दी 180 ml वाले में, 120 ml कैपेसिटी का वेसल था, उसकी गैस कहाँ ट्रांसफर कर दी, 180 ml वाले में, तो V1 तो कितनी है 120, और V2 कितनी है 180 ml, भाई वॉल्यूम तो बढ़ा दी, ठीक है। ओके, तो आप ये बताओ, अगर जब ये 120 ml वाले वेसल में थी, जो कहां पर थी, तो गैस का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, ये तो वॉल्यूम थी, 20 डिग्री सेल्सियस क्या था टेम्परेचर, और 750 mm क्या था प्रेशर, क्या भाई 750 mm बताओ क्या था प्रेशर, यानी एक 120 ml के वेसल में गैस भरी हुई है, तो वॉल्यूम कितनी है 120, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना गैस का 750। ये कहता अगर इसी गैस को हम 120 ml वाले वेसल में से निकाले, कहाँ भर दें, 180 ml वाले वेसल में भर दें, तो गैस का नया प्रेशर क्या आएगा बताओ? ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई CUET वगैरह में, तुम क्या कहेंगे भाई, बहुत सिंपल है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2,
P1 P1 is equal to P2, P2. P1 कितना है बताओ? 750. V1 कितना है? 120. V2 कितना है? 180. तो 180 को तो 750 into 120 divided by 180. बताओ क्या जाएगा मेरे पास? मतलब कितना आएगा? 500. कितना आएगा मेरे पास ये? 500 आएगा. ऐसा क्वेश्चन आपको करने आएंगे? हाँ बेटा भाई सिंपल से, एक पिचकारी को बंद कर आप दबाओगे प्रेशर पर तो वॉल्यूम घटती है उसकी, और एक पावर के साथ घटती होती है, और सभी तरह के कर्व भी आपको मालूम होगे. अच्छा एक फायदा इसका और भी है, यानी कि P1 V1 P2 V2 में अगर आपको एक बात पता होगी ना, अगर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम पता है और फाइनल क्या पता आपको, या फिर कोई कह दे कि किसी चैम्बर कोई एक गैस एक चैम्बर में से दूसरे में ट्रांसफ़र कर दी, तो अगर फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर इतने हैं तो बताओ इनिशियल प्रेशर क्या था. अगर इनिशियल वॉल्यूम ये थी तो आपको V2 और P2 बता दिए, और क्या बता दिया V1, तो क्या पूछ लिया आपसे P1. भाई चार फैक्टर हैं P1 V1 P2 V2, उनमें से तीन बताएंगे एक आपसे पूछेंगे, उनकी वैल्यू पुट कर दो, आसान तो है प्रत्यक्ष. ठीक है. अच्छा भाई एक और बताओ आप मुझे इसके अंदर. अच्छा आप मुझे बताओ PV क्या था हमारे पास? कॉन्स्टेंट था ना. चलो कॉन्स्टेंट को मैंने K बोल दिया. क्या बोल दिया कॉन्स्टेंट को? K बोल दिया. ठीक है. अब आप मुझे बताओ किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है बताओ? क्या होती है? मास बटे वॉल्यूम होती है ना, इजंट इट? तो वॉल्यूम बताओ क्या होगी हमारे पास? मास बाई डेंसिटी. तो अगर यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूँ वॉल्यूम का, क्या रख दूँ मैं? डेंसिटी होती है मास बटे वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होगी? मास बटे डेंसिटी. तो यहाँ पर क्या लिखो? मास, और बटे में क्या लिखो? डेंसिटी. इजंट इट? तो बताओ क्या हो जाएगा इसको, तो हम कहाँ फेंक देंगे अब बताओ? अगर हम अब क्या करें बताओ भाई, अब इसको वहाँ फेंक दो. किसको? अब इनमें से आप भाई आप हाँ बल्कि आप इसको नहीं है, आप इसको डेंसिटी के लिए क्या करो, इसको रीअरेंज कर लो. किसके लिए? आप इसको डेंसिटी के लिए रीअरेंज कर लो. हमने क्या लिखा था? PV इज इक्वल कॉन्स्टेंट था. अरे डेंसिटी क्या थी? मास बटे वॉल्यूम थे, तो मास बटे डेंसिटी. तो डेंसिटी मेरे पास क्या जाएगी? के बटा, अरे डेंसिटी इसको वहाँ फेंक दिया मैंने, तो क्या जाएगा मेरे पास? ये के को आपने कहाँ फेंक दिया? क्या? तो PM बाई K आ जाएगा ना हमारे पास, isn't it? तो आपको पता अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्या? अगर प्रेशर कम हो जाए तो डेंसिटी बताओ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, isn't it? इसीलिए क्या होता है, जो हाई ऊंची जगह होती है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है? कम नहीं होता. तो वहाँ पर एयर की डेंसिटी क्या होती है? काफ़ी कम होती है भाई ऊंची जगहों पे. आपको पता नहीं क्या हमको सांस लेने में दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है. तो हम इतना ईजीली सांस वहाँ पर नहीं ले पाते इतना, आपको वहाँ पर भाई ज़्यादा जल्दी थकान महसूस होती है. आ गया आपको ये? हाँ बेटा कुछ आपको पहले पड़े? ओके तो भाई इस लेक्चर में इतना ही. अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा. तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते.